हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं कि मेरी अम्मा चने और कद्दू की दाल में तड़का कैसे लगाती है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक गरम कढ़ाई, और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें 2 चुटकी हींग ऐड करेंगे। आफ्टर दैट हम उसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। और इसे 5 से 6 बारीक कटे हुए लहसुन ऐड करेंगे। दो मीडियम साइज के अनियन ऐड करेंगे। और इसे एक बार मिक्स कर देंगे। 3 बारीक कटे हुए मिर्च ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक ऐड करेंगे। कद्दूकस की हुई एंड अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून देंगे। और हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के टोमेटो लिए हैं। तो जैसे कि अब हमारे टमाटर पक चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें सिर्फ 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, क्योंकि हमें दाल पकते समय भी उसमें हल्दी डाली हुई है। 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ये गरम मसाला होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 2 और चने की दाल को धुलकर प्रेशर कुकर में हमने इसे 3 सीटी तक पका दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी दाल कितने अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसे थोड़े सा मिक्स कर देंगे। और मिक्स करते ही हम इसे अपने मिक्सचर में डाल देंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी दाल बॉईल हो चुकी है, तो अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी दाल में नमक ऐड किया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और ये दाल नए चावल और देसी घी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।